प्रशासन व जनपद पुलिस द्वारा लगातार यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने का काम किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कैंट थाना क्षेत्र के रामगढ़ ताल के पास का है, जहां पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। अरे वो स्कॉर्पियो का है सब वीडियो बनाने के चक्कर में थे। हाँ, वीडियो चक्कर में सब वीडियो और फोटो बनाने के चक्कर में थे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, ये भैया गाड़ी आ रही थी, आप पूरा गाड़ी उधर से ओवरटेक हाथ कर रही थी, 90-95 गाड़ी थी, उसके बाद मारे हैं, पूरा गाड़ी उधिया गई है, उसके बाद रोके हैं, रोकने के बाद हाथ दिए हैं, तो उसके बाद तुरंत सवारी रुकी है, सवारी रोकने के बाद तब बैठाए हैं, उसके बाद हम कहे भैया हॉस्पिटल लेके जाइए। कितने लोग थे मोटरसाइकिल पर? मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे, स्कॉर्पियो में 4 आदमी थे। क्या स्थिति है लोगों की? स्थिति भैया सही है, जान से नहीं गए हैं, मतलब घाव लग गया है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो गलीमत है। स्पीड कितनी रही? स्पीड भैया रह लिया कम, स्कॉर्पियो का मान के चलिए 80-90। हाँ, मोटरसाइकिल भैया लो थी एकदम, वो साइड में हाथ मार रहे थे। हाँ, इस गलती स्कॉर्पियो का, वो हाथ दे रहे थे, आप दोनों आदमी ले पूरे रफ्तार में थे, ब्रेकर लेने चाहते थे, मैं कंट्रोल में गाड़ी नहीं हुई है। उसके बाद क्या, गाड़ी छोड़ के वो लोग भाग? वो गाड़ी छोड़ के नहीं भागे, हमने भागने जा रहे थे, मगर हमने रोक लिया कि भैया मरीज के उठाइए और कृपया हेल्प करिए। कहाँ गए वो?